तो दोस्तों लेकर आ गया हूँ आपके लिए टॉप 3 फैंटास्टिक MIUI 12 थीम की एक और न्यू स्पेशल वीडियो। इस तरह की वीडियो हम बात करते हैं काफ़ी कूल काफ़ी अमेजिंग थीम्स के बारे में। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं अपने Redmi Poco मोबाइल में OnePlus मोबाइल का कंप्लीट लुक तो वो आप कैसे पा सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों अगर आपको पसंद है लॉक स्क्रीन पर कस्टमाइजेशन तो वो आप कैसे कर सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों अगर आप चाहते हैं काफ़ी ब्यूटीफुल से काफ़ी कलरफुल से स्टाइलिश से कंट्रोल सेंटर तो वो भी आपको इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा देखते रहिए। इस वीडियो का लाइक टारगेट मैंने रखा है 100। आई होप कि आप इसे आसानी से कंप्लीट करा देंगे। दोस्तों मैं हूं अनुज और आप देख रहे हैं डिजिटल अवतार चैनल। सब्सक्राइब कीजिए डिजिटल अवतार चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मिल सके मेरी वीडियोज के अपडेट सबसे पहले। तो दोस्तों इस लिस्ट में जो फर्स्ट थीम है उसका नाम है सी वेल और इसके जो डिजाइनर हैं उनका नाम है पीयूष केपीवी। ये थीम मुझे इस वॉलपेपर की वजह से पसंद आई। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इसमें एक वेल है और इसमें स्काई का भी है और जो सी है वो भी दिया गया है। तो वेल स्काई सी ये तीनों इस वॉलपेपर में मिल जाते हैं। कंट्रोल सेंटर का जो लुक है वो आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर जो टाइल्स टॉगल्स हैं वो आपके चेंज हो जाएंगे तो इस वजह से भी पसंद आया। इसके साथ ही नोटिफिकेशन पैनल तो आपको सिंपल सा देखने को मिल जाता है, ऐसा कुछ चेंज नहीं है। इसके अलावा डायल पैड में जाएंगे तो यहाँ पर जो डायलर है वो थोड़ा सा चेंज किया गया है। सेटिंग के लुक की बात कर लें तो सेटिंग का लुक आपको डिफ़ॉल्ट ही देखने को मिलेगा, यहाँ पर कोई चेंज नहीं मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर जो आइकन पैक है उसकी वजह से भी मुझे ये थीम पसंद आई क्योंकि इसमें वॉलपेपर से मैच करते हुए आइकन दिए गए हैं तो ये काफ़ी अच्छी बात है। काफ़ी अच्छी फीलिंग आती है आपको बिल्कुल सी या वेल वाली। और यहाँ पर लॉक स्क्रीन पर भी सेम वॉलपेपर मिल जाता है आपको ये वेल वाला। और यहाँ पर क्लॉक विजिट काफ़ी बड़ी दी गई है, इसमें देखिए जो सेकंड वाला है वो भी यहाँ पर रन कर रहा है। एज ए टाइमर भी आप इसे यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको एक कैलेंडर भी दिखेगा बॉटम में, तो कैलेंडर में थोड़ा सा आप अगर चाहें तो इसे मूव भी कर सकते हैं। इस लिस्ट की जो सेकंड थीम है उसका नाम है टुची मी यूआई V12 डिजाइनर अमजद अली। तो इसका भी लुक आपको दिखाई देते हैं। तो इसमें मुझे वॉलपेपर काफ़ी पसंद आया, देख पा रहे होंगे ये कुछ रेड ब्लैक वाइट का काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन दिया गया है। काफ़ी एब्स्ट्रैक्ट सा वॉलपेपर इसमें मिल जाता है। काफ़ी बड़ी सी क्लॉक विजिट मिल जाती है। कंट्रोल सेंटर की बात करें तो कंट्रोल सेंटर काफ़ी कलरफुल सा देखने को मिल जाता है। ग्रीन ब्लू येलो इस तरह की टाइल्स टॉगल्स आपको देखने को मिल जाते हैं। तो कंट्रोल सेंटर की वजह से भी मुझे पसंद आई ये थीम। और यहाँ नोटिफिकेशन पैनल की बात करें तो कुछ इसी तरह का आपको नोटिफिकेशन पैनल देखने को मिल जाता है। अब डायल पैड की बात कर ली जाए तो डायल पैड का लुक आपको कुछ इस तरह से देखने को मिल जाता है। सेटिंग में जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको जो आइकन वगैरह हैं चेंज देखने को मिल जाएंगे। तो ये लुक भी मुझे पसंद आया। यहाँ पर जो आइकन पैक है ये आइकन पैक भी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। यहाँ पर देख पा रहे होंगे काफ़ी अच्छा वॉलपेपर, काफ़ी अच्छा आइकन पैक, कंट्रोल सेंटर। तो इसकी वजह से मुझे ये थीम पसंद आई। इसमें क्लॉक में भी एक एनिमेशन आपको देखने को मिलता है। और चलते हैं लॉक स्क्रीन पर, तो लॉक स्क्रीन पर एक डिफरेंट सा वॉलपेपर देखने को मिल जाता है। और इसके अलावा टॉप पर क्लॉक विजिट है, बॉटम में देखेंगे तो फ्लैश लाइट और कैमरे जैसे ऑप्शन दिख जाएंगे। तो दोस्तों अब जो नेक्स्ट थीम है इस लिस्ट की जो लास्ट थीम है उसका नाम है नेपर सेटल। इस नाम से आप सर्च कर लीजिए या फिर डिजाइनर के नाम से भी सर्च कर सकते हैं, उनका नाम है फरदूस अहमद। तो ये नेपर सेटल से इंस्पायर्ड एक थीम है। वन प्लस वाला कंप्लीट लुक चाहते हैं तो इसलिए थीम को जरूर डाउनलोड कर लीजिए। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आप देखिए वॉलपेपर आपको वन प्लस वाला देखने को मिल जाता है। जो आइकन है वो भी वन प्लस वाले हैं। जो कंट्रोल सेंटर है वो आपको कुछ इस तरह से देखने को मिल जाता है। ग्रीन ब्लू येलो टाइल्स आपको देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो नोटिफिकेशन पैनल है वो तो सिंपल सा दिया गया है। अब बात कर लें डायल पैड यूआई की, तो इसमें कुछ ग्रीन एक्सेंट आपको देखने को मिल जाता है। सेटिंग्स में जब आप जाएंगे तो सेटिंग्स का लुक आपको डिफ़ॉल्ट ही देखने को मिलेगा, यहाँ पर कोई चेंज नहीं हुआ है। पर यहाँ पर जो मुझे होम स्क्रीन का वॉलपेपर है इसके साथ में जो इसका आइकन पैक बिल्कुल वन प्लस वाला दिया गया है, ये चीज़ें मुझे इस थीम की काफ़ी पसंद आई तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर देता हूँ। इसके अलावा यहाँ पर आप जब लॉक स्क्रीन पर जाएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं लॉक स्क्रीन पर भी सेम वॉलपेपर है।
और यहाँ पर डबल टैप करते ही म्यूजिक का भी आपको ऑप्शन आ जाता है। इस म्यूजिक वाले ऑप्शन में भी आप कस्टमाइज कर सकते हैं किस तरह का भी आपको मतलब फुल पेज में म्यूजिक चाहिए तो वो भी आप कर सकते हैं। और ये काफ़ी अच्छे ऑप्शन है। यहाँ पर देखिए गियर टाइप का एक आइकन है, इसमें आप लॉक स्क्रीन की जो क्लॉक स्टाइल है उसे चेंज कर सकते हैं, डेस्कटॉप स्टाइल को यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, म्यूजिक एल्बम कवर में जो कलर है उसे आपको ऑन ऑफ करना है तो वो कर सकते हैं, म्यूजिक एल्बम का जो ब्लर है उसे कंट्रोल करना है तो वो भी कर सकते हैं। तो ये काफ़ी ऑप्शन दिए गए हैं। इसके अलावा आपको सेटिंग का भी एक ऑप्शन मिलेगा, तो थीम की सेटिंग में जाकर के और भी ऑप्शन आप ट्राई कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें भी इसमें जो एक और जो चीज़ है वो है इसका बूट एनिमेशन, तो वन प्लस वाला बूट एनिमेशन भी इसमें दिया गया है, तो इसलिए भी इस थीम को ये काफ़ी खास बना देता है। तो ये है इसका वन प्लस बूट एनिमेशन। तो इसलिए ये काफ़ी जो चीज़ें हैं वॉलपेपर आइकन पैक जो बूट एनिमेशन इसकी वजह से मुझे ये थीम पसंद आई, आपको भी हो सकता है पसंद आए। तो यहाँ पर देखिए एक मेरा चैनल है टेलीग्राम पर मी यू आई 12 थीम्स के ऊपर, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो उससे आप टेलीग्राम पर मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर की है टॉप 3 मी यू आई 12 थीम्स। इन थीम में से कोई भी थीम पसंद आई हो, कोई भी फीचर पसंद आए हो, तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह के अमेजिंग इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आता रहता हूँ।